हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल हब में। तो आज मैं आप सभी के सामने एक और नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो लेज़र मशीन की प्रॉब्लम के बारे में है, मतलब लेज़र मशीन के सॉफ्टवेयर की जो प्रॉब्लम आ रही है वो अपडेट करते समय आ रही है, जो कि डाटा एरर की है। उसका आज मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ आप सभी के सामने, जो कि आसान सोल्यूशन है लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो जैसा कि मैं अपना एक बार लेज़र मशीन का सॉफ्टवेयर चालू कर लेता हूँ, फिर आपको मैं एक बार प्रॉब्लम दिखा देता हूँ कि कौन सी वो प्रॉब्लम है जो आपको फेस करनी पड़ रही है, जो काफी कंपनियों से आपने बाय कर रखी है मशीन। जैसा कि अभी हमारा लेजर मशीन का जो सॉफ्टवेयर है वो चालू हो रहा है। अब देखो, जैसे कि हमारा लेजर मशीन का वो सॉफ्टवेयर है वो चालू हो गया। अब ये हमने अपडेट किया, हमारे मशीन का ये कोड है, तो हमने ये डाटा डाउनलोड न्यू किया, डाटा हम अपडेट कर रहे हैं अपना, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, डाटा एरर। तो किसी का PMD डाटा एरर आ रहा है, किसी का अलग आ रहा है, तो किसी का अलग आ रहा है। तो इसको आप सोल्यूशन क्या है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका ये कोड मशीन पे लिखा हुआ है, तो आपका काफ़ी 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, तो कंपनी क्या करता है कि सर्वर जो आपका होता है ना, जो जुड़ा होता है आपका कंपनी के ड्यू में, तो वो अपडेट होता रहता है। तो इसमें उसकी वजह से आपका ये कोड भी चेंज हो जाता है। तो कोड चेंज किस रीजन से होता है, वो आप सर्वर जो कंपनी होती है वो सर्वर अपडेट करती है अपना, तो वो आपको जिसने जिससे आपने बाय करी है मशीन, तो आपको उनसे आपको ये कॉपी करके कोड उनको देना है, तो उनको वो आप जो कंपनी है वो आपको नया एक कोड देगी वापिस से, तो वो आप डालोगे तो आपका वो मिल जाएगा। अगर आप को लगता है कि हमारा नहीं होता, तो कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। पहले आप जैसे कि कोड अलग चेंज करके देखो, जैसे कि आपका हो सकता है कि आपने कोड ही गलत डाला हो। जैसे कि हमने पहले ये हो सकता है आपने शॉर्ट में डाल दिया हो, ठीक है ना, ये हो सकता है आप वैसे आपको कैप्स लॉक में ही डालना है, ठीक है ना, ये चीज आपको कोड जो है आपको कैप्स लॉक में ही डालना है। जैसे मैंने एक नया कोड डाला तो नहीं ये चलेगा, लेकिन आपको वो जो कंपनी आपको कोड देगी वही आपको यूजर आईडी डालनी है। जैसे कि सर्वर ऑप्शन में गए, यहाँ पे हमने अपना कोड डाला जो हमारी कंपनी ने दिया है। जैसे कि मैं कैप्स लॉक में अगर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ तो वो नहीं लेगा, क्योंकि ये एक पासवर्ड की तरह होता है जो कि रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अगर मैं यही कैप्स लॉक में डालता हूँ तो वो ले लेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। काफी बंदों को ये फेस करना पड़ रहा है। अब देखो, ये हमारा ले चुका है, तो ये अब हमारा अपडेट होने लग पड़ेगा। पोर्टल जो है हमारा ये डाटा कर रहा है, फिर हमारा डाटा अपडेट होने लग पड़ेगा। देखो, इससे आपको जो हम आपका अपडेट नहीं हो रहा था वो आपका होने लगेगा, जो आपकी प्रॉब्लम आ रही थी डाटा एरर की वो आपकी सॉल्व हो जाएगी इजी। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कॉपी करना है, कोड आपको ट्रांसफर करना है, ये खाली यहाँ से आपको कॉपी दबाना है और यहाँ पे आपको कॉपी करके वहाँ पे आपको ट्रांसफर कर देना है, सेंड कर देना है कंपनी जिससे आपने मशीन ली है उनको। तो वो आपको मतलब मात्र 24 से 48 आवर्स में आपको मिल जाएगा, वो कोड यूजर आईडी आपको दे देंगे, तो आपका वो सर्वर फिर चलने लग पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। लेकिन अभी देखते जाइए कि रीड डाटा हमारा अपडेट होता है या नहीं होता है। जैसा कि अभी हमारा रीड डाटा ही आ रहा है, रीड कर रहा है, क्योंकि हालांकि हमने कल या परसों में हमने अपडेट मारा था। अब रीड डाटा ही कर रहा है, काफ़ी देर से अपडेट होने लग पड़ा, आप जैसा कि देख रहे हैं। तो हमारी प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन मिल गया है आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये आपको कोड कैप्स लॉक में रखना है, जो भी आपका कोड होगा मिलता है वो आपको शॉर्ट लेटर्स में नहीं लिखना है, कैप्स लॉक में लिखना है, और सर्वर ऑप्शन में जाके आप देख सकते हो अपना कोड सेव कर सकते हो,
और ये कहीं लिख सकते हो अपना कोड, क्योंकि ये जो मशीन के ऊपर कोड लिखा होता है वो कभी कभार जो आपका वो पुराना हो जाता है, फिर वो कंपनी सर्वर जो है अपडेट मारती रहती है, सर्वर यूजर आईडी आपकी चेंज हो जाती है, इसलिए आप यहाँ से कॉपी करके उन कंपनी को दे सकते हो, आप अपना कोड चेंज करा सकते हो।